सही बात, इनका भी मार गाड़ी, गाड़ी किसकी है, प्रोडक्ट कौन बेच रहे हैं, उनके ऊपर कंप्लेंट देते हैं। इन्हों जाके बोलते कहाँ से सप्लायर है, इन्हों बोलते ठीक है। एक चीज आप मानते ना, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जब आप पैसे देके माल ले रहे ना, फ्री में नहीं ले रहे। जब पैसे दे रहे तो आप देखते नहीं कि भाई आइसक्रीम के ऊपर एक साल का गारंटी कैसा दे रहा बोल के। जो एक साल जो वारंटी दी है, एक मिनट, एक साल जो वारंटी दी है, హలో అండి, నమస్కారం. కామ్రేడ్ డిజిటల్ మీడియాకి స్వాగతం. ప్రస్తుతం మనం బజార్ ఘాట్ చౌరస్తాకి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఒక ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ ఉంది. ఇక్కడ రండి దగ్గరికి. ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ ఉంది. సో వీళ్ళు వితౌట్ ప్రైస్, వితౌట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్, వితౌట్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇక్కడ అమ్మడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడే ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. మనతో పాటు సుమనన్ గారు ఉన్నారు. సుమన్ గారు ఒకసారి రండి, చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంది. అయ్యా ఏం లేదు, నేను లాస్ట్ వీక్ ఇక్కడ వచ్చి కోన్ తీసుకున్నా. యాక్చువల్లీ నాది పెటెన్స్ ఫ్రెండ్స్ షాప్స్ ఉండే ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్స్, అక్కడ నుంచి కొనుక్కుంటా. ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలు కాబట్టి నేనేంటంటే 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు కోన్ అవి తీసుకుంటా. ఆయన దగ్గర వచ్చి లాస్ట్ వీక్ వచ్చి 150 రూపీస్ 10 కోన్ తీసుకొని పోయినా. అయిపోయింది, తిన్నారు. తినే నెక్స్ట్ డే ట్యూస్డే రోజు మా బాబుకి స్విమ్మింగ్ జాయిన్ చేసిన మండే నుంచి, అదే యాక్చువల్లీ సెకండ్ నుంచి. తినగానే నెక్స్ట్ డే నుంచి వామిటింగ్ మోషన్ స్టార్ట్ అయింది. తినడానికి మొత్తం ఖానే మే కుచ్ ఆ గయా కుచ్ ఐసా హువా బల్కే మే సమ్జా. బాద్ మే మాలా ఠీక్ హై లైట్ లే లియా. అభీ ఆకే ఫిర్ 210 రూపాయ కే కోనా లేకే గా, మే 15 కోనా లేకే గా. లేకే జాకే బచ్చా బోలా భాయ్ డాడీ కోన్ ఇయ్యి బోల్తో. మాలా ఏ తినదురా రాత్రి పూట డాడీ కోన్ కోన్ అంటే, సరే నీకోసం తీసినా తీస్తా అంటే, నికాలనే సే పహలే దేఖే తో ఉస్కే ఉప్పర్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఎర్రరే, సామ్నే సే ప్రైస్ ఎర్రరే. ఉప్పర్ దేఖే తో 2023 April 4 బోల్కే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హై, ఎక్స్పైరీ ఆకే 2000 April 4 కి ఎక్స్పైరీ హై. जब दूध के पैकेट पे 2 दिन की वैलिडिटी नहीं देता गवर्नमेंट से, विजया पे अभी मेरा दोस्त गया, उन्हें भी बोला तो आइसक्रीम पे 1 साल की गारंटी कौन देता. अच्छा, एक बार देखेंगे क्या है, इधर दियो बताओ भाई, एक बार देखो, लॉक कर ले रहे, एक बार आओ भाई सामने. इन्हें जो है ना लॉक कर ले रहे, पूरा माल छुपा ले रहे. नहीं ये देखो सामने आप, ये एक्सपायरी नहीं, ये देखो आप सामने मेरे जो हाथ में लग रहा, आप देखो जो आइटम में लेगा बाद में, दूसरा तो माल अलग है. इसके ऊपर तो कुछ एक्सपायरी है ना, कुछ है इसके ऊपर, इस पे यहाँ देखो साहब, ये अरेस्ट कर दिया लोग. अब रही बात सामने की बात, ये रही मैन्युफैक्चरिंग. भैया जूम करो जरा, यहाँ पे क्या दिए, मैन्युफैक्चरिंग बोल के डेट निकाल दिए. एक्सपायरी आके 2023 चौथा महीना 29/4/2024. तो कौन सा आइसक्रीम बेचता जो साल भर वैलिडिटी रहता, जब दूध का पैकेट 2 दिन नहीं रहता. क्लियर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको नहीं दिख रहा उसमें, ये देखिए भाई साहब आप, 30 तारीख चौथा महीना 2023 एक्सपायरी आके 29/4/2024. ये कहाँ से दिखा भाई आपको, कौन सा आइसक्रीम फैक्ट्री है, 8 रुपए है एक्सपायरी, 1 ईयर का है, अप्रैल 2024 1 ईयर का वारंटी है ये आइसक्रीम. ऐसा कैसा होता भाई साहब, जरा जरा देखो आप, मैं बोलने एक ही है, मेरे घर पे मैं खुद पर्सनली फील करा मई है. क्यों बोलता हूँ, अपन घर में बच्चों क्या है, स्कूल छूटता समर हॉलीडेज है, बच्चे आइसक्रीम बोलते ये खाते वो खाते, स्कूलों का नहीं बहुत चीज ये हुई सो है, मगर अपन कोई नहीं पूछते नहीं, अरे बच्चा खाने में कुछ खा लिया, मोशन कर ले रहा, वॉमिटिंग कर ले रहा, छोड़ देते. मगर मेन रीजन क्या है, स्कूलों का ना आइसक्रीम आए बेच रहे. अब इनके सेठ को फोन करे हम, अननोन पर्सन वहां पे है, उनको बात करा, बोलते उन्होंने क्या बोले, मेरा माल नहीं होता, उन्होंने कहाँ से ला के बेच ले रहा बोल के बोल रहा. तो ऐसा कौन सा ऑनर है भाई, कैसा माल ला के बेचता उन्हें, ऊपर से हेरिटेज का बोर्ड लगा के बेच रहे माल ये. अब अन्ना आते क्या बोल रहे, बड़ा आदमी है बोल के इज्जत देके बात करे तो, अरे तुम 210 का लिए ना, हेलो 200 रुपए तुम्हारे लेके चले आओ बोल रहे. क्या मैं यहाँ पागल चूतिया दिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे से कितने चूतिया बनाते भाई. आपके घर के हाथ से आपके बच्चा अगर रोड पे गाड़ी जा रही तो बोलता भैया, एक मिनट भाई साहब, बच्चा क्या बोलता, डैडी एक आइसक्रीम होना बोलता, क्या बोलता, एक आइसक्रीम. इधर शूट करो भाई इनको, अन्ना अन्ना भाई, बड़े भाई गलत चीज बेच रहे आप. नहीं पहले तो क्या बोलता, नहीं भाई गलत चीज बेच रहे आप, एक्सपायरी डेट का बेच रहे, रोड पे आप लेके जा रहे, डैडी आइसक्रीम होना बोलते, आप क्या बोलते, रुक आते आइसक्रीम लेते चले आते, एक लेते आप, दो लेते, 10-10, 20-20 लेते, क्या लेते, मैं 20 लिया आइसक्रीम यहाँ पे, 20 कोना लिया, एक लिया दो लिया समझ में आता. तो आपका सेठ का नाम क्या, श्रीधर यादव, श्रीधर यादव. उनका मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर सर
8341 देख लो क्या सीट का नंबर यहाँ पे है, ऊपर वाला है 8341620218 श्रीधर यादव, श्रीधर यादव। तो अन्ना आप कॉल करें क्या इनके ओनर को? साहब हाँ बोलो, यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉल करा, कॉल कर उनके सेठ फोन नहीं उठा रहे, बाद में बोला बात कर लो, बोलते ये अन्ना हमारे, इधर आओ भैया जरा बाजू आ जाओ। बोला ना है आइसक्रीम वाले, इन्होंने अननोन पर्सन कारवान में रहते, अन्ना अन्ना का इंटरेस्ट अन्ना देती है। अब मैं बोला तो मेरे तरफ से बोलेबल कर रहा था, ये आगे से अन्ना को मैं बोले सीधे रे भाई, आप अन्ना बात करे फोन पे, क्या बोले साहब इनके सेठ? उन्होंने बोले पहले हेरिटेज कंपनी को फोन करके मालूम कर रहे बोल के बोले, मतलब हेरिटेज कंपनी को बोले बोल रहे सहमत है जी, पहले डेट डेट होगा सब माल बेच रहे ना था ना, बराबर डेट है बोल के बोले, तो डेट नहीं होगा, डेट होगा सब माल है बोलते, उन्हें कहां से लाया कि मेरे को नहीं मालूम बोल रहे हो ना, अननोन पर्सन है, माल खरीदे भी नहीं इनके। तो अभी अभी अपने पास सेठ भी आ गए श्रीधर यादव, तो इनसे पूछने की कोशिश करेंगे अन्ना क्या है, सही है क्या? एक्सपायरी डेट रहता साहब, मैं रहता हूं 1 साल का रहता, 1 साल का रहता, कैसा रहता, कैसा रहता, मतलब आप हेरिटेज कंपनी से पूछ सकते हैं, हेरिटेज हमारे को बेच रहे, हम उन लोग लाके हमारे को बेच रहे हम लोग। गोदाम कहां पे? मेरा गोदाम आसिमनार पे। आसिमनार पे किधर है? गांधी पुतले के नहीं, गांधी पुतले के पास किधर है? गांधी पुतले गली में है भैया, दूध की दुकान से। अभी मैं दूध का पैकेट लगा आपको क्लियर करता हूँ, कोई से ब्रांड का दूध ले लो आप, कोई भी ब्रांड का ले लो, खाली जो बॉक्स आता दूध का जो डब्बा आता सील फीस आता उसका रहता, आपको महीना 15 दिन फ्रीज कर सकते, पैकेट का आपको 2 दिन से ज्यादा नहीं चलता। इन्हों 2 दिन से ज्यादा जो दूध नहीं चलता उन्हों साल भर आइसक्रीम का वैलिडिटी कैसा दे रहे, ये आप उनसे क्वेश्चन करिए। साल से कंपनी वाले बिजा रहे भैया, अब उम्र वाले है सब पूरे। तो जो आप देख सकते हैं कि सामने आइसक्रीम मंडी है, इनके ओनर है, और एक्सपायरी डेट जो है 1 साल तक का है, ये 2023 अप्रैल से लेकर के 2023-24 अप्रैल तक, मतलब 1 ईयर गारंटी आइसक्रीम पे। आजकल मशीन के ऊपर भी 1 ईयर गारंटी नहीं दे रहे, कूलर का मशीन जो मोटर रहता है उसके ऊपर 6 महीने की गारंटी दे रहे, कई को 6 महीने तो कूलर नहीं चलाते, 2-3 महीने में समर खत्म हो जाता, पड़ा हुआ रहता, नेक्स्ट ईयर भी काम आता। बल्कि बस्सी लोगों को नहीं देखना क्या आज भाई? आप आपकी फैमिली के साथ निकलते, बच्चा बोलता है आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम होना खोलो डिक्की खोलो, पूरे ऊपर डेट देखो आप, आइसक्रीम होना बोलता है, आप एक कौन खरीद के देते उसको, दूसरे दिन बच्चा बीमार पड़ता, मोशन कर लेता, वॉमिटिंग कर लेता, आप किसको बोलते? अरे बच्चा कुछ खा लिया गलती में आ गया बोलते सोचते, मगर ये कौन सोचते? मैं 10 लेके गया, 15 ले गया, पूरा डब्बा भी लेके जाने रेडी था, अब खोल के देखा तो मेरे को मालूम है कि भाई मेरे को प्रॉब्लम ये हुआ, मेरे बच्चे को आइसक्रीम की तरफ से ला के पूरे दिए, तो उसका कहां है, उन्हें काम वाला बोल रहा सर आपके पैसे आप लेके चले आओ बोल के बोल रहा, कहीं को लेके जाऊं? आज मेरे को हुआ, कल के दिन रोड पे पूरा कारोबार कर रहे तुम, उसके सेठ को फोन कर दो ना, क्या बोल रहा मेरा माल लिया किसकन से लाके बेच ले रहा बोलते, तुम बंडी कहीं को लगा हेरिटेज का फिर? तो अभी अपन बाजारघाट चौरस से पे, अपन को नजदीक में हबीब नगर पुलिस स्टेशन है, अगर आप जाके वहाँ पे कंप्लेंट दे सकते हो, दे सकता हूँ, अभी भी रेडी हूँ, अभी अभी तक हबीब नगर गाड़ी रुकी, इनके सेठ फोन नहीं उठा के, इनकी मिसेज को देखे, इनसे बात करो बोल के, इनका काम वाला दे रहा, इनका सेठ क्या बोल रहा? अरे तू जो हमारे अन्ना है इन्होंने बात करे, इन्होंने तो कस्टमर भी नहीं है, इन्होंने लेने गया से रुके, जैसा मैं बोलते इन्होंने क्या बोलते, इनसे बात कर देने क्या बोल रहे, उन्होंने कहाँ से लाके माल बेच रहा है मेरे को? तो आइसक्रीम कौन पे ऐसी कौन सी ब्रांडेड कंपनी जो साल भर वैलिडिटी देती है? देखते और एक आइसक्रीम मंडी एक बार वहाँ पे भी चेक कर लेंगे, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, देखेंगे ये स्कैम कहाँ तक चल रहा है। चलो आओ, यहाँ पे भी एक आइसक्रीम मंडी है, चलो अभी अभी खोले, इसका भी कौन का देखो, यूज बाई 24/2024 मतलब 20 अप्रैल 2024 तक यूज कर सकते, 1 साल तक का, 1 साल तक का इसका गारंटी है इसका। जहाँ तक जो गाय का दूध आता, भैंस का दूध आता, जो भी आपका गवर्नमेंट का विजया मस्कती जो भी आता, 2-3 दिन से पहले से ज्यादा वैलिडिटी नहीं रहता, और लोग अगर फ्रिज में भी रखे तो 8 दिन के अंदर दूध फूट जाता, जब दूध फूट जाता तो साल भर तक आइसक्रीम कैसा रहता ये आप बताओ? और ये कारोबार कल शाम में 5-6 बजे के बाद कारोबार स्टार्ट हो रहा है, दिन में कोई नहीं देखा, कहीं को बोलते कोई नहीं देखता, 5 बजे के बाद 4 बजे के बाद फैमिली के साथ बच्चों के साथ घर वाले बाहर निकलते, और मुझे ये नहीं मालूम कि भाई ये यहाँ पे हो रहा है ऑल ओवर अपना हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, नेकलेस रोड पे, अननोन गाड़ी को भी पकड़े तो सेम भाई साहब, कोई गर्लफ्रेंड के साथ जाता, कोई बीवी के साथ जाता, कोई बच्चों के साथ जाता, आइसक्रीम बोते लेते खा लेते, कल के कुछ भी आता, अरे रात में क्या खा लिया चिकन मटन हो गया, मगर ऐसा एक
दो नंबर का कारोबार अंदर हो रहा, परसों अत्तापुर पे भी वैसी करे, देखे नहीं क्या आप लोग? बोला अत्तापुर पे पूरा वैसी हुआ। कैसा देते? तुम्हारे सेठ का नाम क्या है? हाजी रहमान। कहाँ पे ऑफिस? विजयनगर कॉलोनी आशित नगर के अपोजिट पी है ना, उसके अपोजिट में। तो पूरा देख सकते हैं कि पूरे अड्डे आसिफ नगर, विजयनगर कॉलोनी, मल्लापल्ली, ये सराउंडिंग्स में है इनका पूरा सब कुछ है। और जैसा अपन कंप्लेंट दे रहे हैं अभी हबीब नगर पीएस को, ये कहाँ पे नामपल्ली पीएस को कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा, कहाँ से सप्लाई हो रहा, ये सब डिटेल्स अभी हम निकालने वाले है। अभी अपने पास श्रीधर यादव है जो कि ओनर है यहाँ के, ये हेरिटेज जो आइसक्रीम की गाड़ी है ना, इनके ओनर है। तो इनसे पूछेंगे कि कहाँ से सप्लाई हो रहा, बोलो। उपल से आता सर, ये उपल से आ रहा। उपल से कहाँ पे ले परचेस करते हो? कहाँ से आ रहा मेरे को नहीं आ रहा, उपल से आ रहा, नागौल से आ रहा। कौन लाके आपको सप्लाई करता है? कंपनी वाले सप्लाई करते हैं। कंपनी वाले कौन से टाइम पे आते हैं आपके पास? मेरे को ऑर्डर करो तो आते, ऑर्डर नहीं करो तो कहाँ से आते? ऑर्डर करे तो आते। तो ओनर का या फिर सप्लायर का नंबर है क्या आपके पास? मेरे को सप्लाई का नंबर नहीं, घर में ऑफिस में होगा वो। ऐसा मोबाइल में नहीं है आपके पास? मेरे को नहीं है। तो ये लोग तो ఖచ్చితంగా చూస్తున్నట్టయితే అబద్ధాలు చెప్తున్నారు, అబద్ధాలు చెప్తున్నారు. అనిల్, దిస్ ఇష్యూ హ్యాడ్ బీన్ నాట్ గోయింగ్ టు లీవ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇఫ్ ఐ కెన్ గో ఎనీ డెడ్ ఇన్ బికాస్ మేబీ హీ షుడ్ హ్యావ్ ఫ్యామిలీ. ఆపకు ఫ్యామిలీ హే, ఆపకే బచ్చే కల్ కల్ బీమార్ హోయంగే, ఆపకు భీ కుచ్ హోయంగా తో తక్లీఫ్ ఆపకు హోతీ. మై కై కు బోల్ రహా హూ యే బాత్ బోల్తా హూ, తక్లీఫ్ హే, మేరా బచ్చా బీమార్ పడా, వామిటింగ్ మోషన్ కర్ లియా, యే హెరిటేజ్ కా లగా మాల్ మే. पूछो आपके कारोबार वाला कहाँ, उसको बुलाओ, आप कहाँ से ले गया? और ये भी बोल के गया मैं माल लेके जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है बोले तो रजिस्ट्रेड वालों का प्रॉब्लम ही है, या ओनर का प्रॉब्लम नहीं है, किसका भी प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट भैया, एक मिनट, अरे मेरी बात तो सुनो आप। ये हेरिटेज वालों का जो दिए पैकेज का, जो उसमें एक साल का वारंटी दी उन्हें, कौन सा फूड में एक साल का नहीं रहता? कौन सा भी दूध का रहें दो, कौन सा भी रहें दो, एक साल का तो नहीं रहता वो। मैं भी एक मानता हूँ, वो किसका भी जान जानी चाहिए वो, अगर वो मिक्सचर क्या बोलते हैं, हेरिटेज वालों का प्रॉब्लम ही है। हम क्या पूछ रहे हैं, वो हेरिटेज वालों का नंबर दो बोल रहे हैं। हेरिटेज वालों का नंबर बोलते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग कैसे करते बोलते, हेरिटेज का जो कंपनी को कॉल करते, कॉल करके उनको बुकिंग करते, बुकिंग करने के बाद उन लोग क्या करते, दो फर्म में ऑनलाइन में आता वो नंबर, तो जो वो नंबर रहता, नंबर नहीं रहता बोल के नंबर देते, वो भी नंबर ले लो आप, नंबर ले लेकर उसको कॉल कर सकते आप। अब कॉल करके हेरिटेज वालों को कंप्लेंट करना पड़ता अपन अपन। एक मिनट भैया, आप इसके बाद बात करो आप, यहाँ प्रॉब्लम क्या है बोले तो, या इनका प्रॉब्लम है, उनका किसका भी प्रॉब्लम है, हेरिटेज वालों का बुकिंग का प्रॉब्लम ही है। ये एक साल का वारंटी जो दे रहे ना, जो कंप्लेंट उनको करने का है, ये बात भाई अन्ना बोल रहे तो भी सही है, ये अन्ना बोल तो भी सही बात, इनका भी गाड़ी किसकी है, प्रोडक्ट कौन बेच रहे, उनके ऊपर कंप्लेंट देते, इन्हों जाके बोलते कहाँ से सप्लायर, इन्हों बोलते। एक चीज आप मानते ना, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जब आप पैसे देके माल ले रहे ना, फ्री में नहीं ले रहे, जब पैसे दे रहे तो आप देखते नहीं के भाई आइसक्रीम के ऊपर एक साल का गारंटी कैसा दे रहा बोल के? जो एक साल जो वारंटी दी है, एक मिनट, एक साल जो वारंटी दी है, इनके पास भी एक लिस्ट रहने का, एक साल का वारंटी इन्होंने भी पूछने का भी है, इसमें पूछने का भी इनका भी हक है पूछने का, तो उसका डिटेल्स क्या है, उसका क्या बोलते, इनका भी पूछने का हक है उनको, अभी इन्होंने उनको कॉल करके पूछना पड़ता। ये विजय का अभी पैकेट मंगाया हमें, पर ये सीधा यही सीधा आप देख सकते, जूम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कब है, इसका एक्सपायरी कब है देख लो, अगर इसका एक महीना भी है, इसका देखो ना, चार पाँच दिन रहता है इसका, मेहनत पाँच चार दिन रहता है इसमें। इसमें क्या बोले तो, विजय का रहें दो, कोसा भी रहें दो, इसमें सुनो मेरी बात, इसमें केमिकल मिलता है इसमें, ये दूध में भी केमिकल मिलता, एक ही भैंस का दूध लिए तो एक ही दिन का रहता है भैंस का दूध, भाई सिखाने का नहीं है, भैंस का दूध रहता एक ही दिन में रहता, अगर सुबह में गर्म करे तो कल सुबह तक फूट जाता है, ये केमिकल है इसमें, इसमें भी केमिकल रहता है इसमें, सुने ना, मैं भी भाई साहब अमेरिकन भी, मैं डोडी अमेरिकन, मेरे को मालूम है, मेरे भी डोडी है, मैं बोल रहा हूँ इसमें केमिकल रहता, एक साल नहीं रहता। डेट देख सकते हैं 14/5/2023 फाइव तीन दिन का रहता ये, इसमें भी केमिकल रहता है इसमें भी, तो 13 आज डेट 13 है, पर इन्होंने 14 का स्टार्ट कर दिया यहाँ पे सप्लाई, मतलब 14 को ये सेल हो जाना, जो 15 तक यूज करते 16 तक यूज करते इनकी मर्जी, पर आइसक्रीम जो है जो दूध से बनता बोलते ना, वो एक साल तक जमता, कैसा जमता? वो एल्टेज का प्रॉब्लम है, बोल रहा हूँ ना मैं भी, वो एल्टेज का प्रॉब्लम है, ब्रांड ही छे ना भाई इसका,
एडेस का ब्रांड ही चेन है। आप बोल रहे ना एक साल का कैसा एक साल वो मैं मानता हूँ भैया गलती है मैं तो गलती माल ले रहे कैसा लेते बगैर आंखा बंद वो तो सही है। वही चीज अगर आपके बच्चे को या आपके बेटे को आपके भाई के बच्चे को आता आप क्या करते। मेरी जगह में कस्टमर पैसा देके ले रहा हूँ फुकट नहीं दे रहे मेरे को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर आओ जाओ खाओ बोल के बच्चे स्कूल छूटते जाके स्कूल करने आइसक्रीम बन निकल ठहरते मिक्सर बन निकल ठहरते। आज मेरा बच्चा हुआ मेरे को तकलीफ हो रही बोल के मैं बोल रहा हूँ कल के दिन तुम्हारा बच्चा हुआ तो तुम क्या बोलते जब यही बोलते क्या तुम एक साल का वारंटी रहता बोल के नहीं रहता बोल के बोल रहा हूँ मैं भी एक साल का नहीं रहता तो जब तुम एग्रीमेंट कर रहे हो ना नहीं रहता नन्ना यही मैं आपको समझा रहा हूँ अन्ना अरे भाई मैं आपको समझाने का वही समझाने का रिक्वेस्ट यही है तुम्हारी गलती जब आप ये मेरा भी गलती कुछ भी नहीं तो जब आप माल ले रहे कंपनी से तो कंपनी को पूछ सकते ना भाई तो एक्सपायरी कैसा दे रहा वाला इनको देना जो प्रोजेक्ट जो तो फिर इन्होंने रिसीव कैसा कर रहे हैं जब एक साल का बोल के सप्लायर का नंबर तो देना सप्लायर का नंबर डीलर का नंबर डीलर का आपका प्रॉब्लम उनका प्रॉब्लम बन जाता है। कब तक रहता है एक साल का है उसपे नहीं रहता एक साल का आइसक्रीम एक साल तक नहीं रहता कौन बोले आप दूध से बनता ना आइसक्रीम एक साल तक नहीं दिन का दिन रहता कौन बोले आप एक साल तक रहता बोले नहीं नहीं गलत है ये बात गलत है गलत है ये बात गलत है देखो भाई ये नंबर है सोमेश हेरिटेज सोमेश हेरिटेज है ये सप्लाई करते हैं उपल से उपल नागोल से सप्लाई करते कहते इनको कॉल करके हैमोर आइसक्रीम भी है हैमोर आइसक्रीम भी है ये भी सेम वन ईयर गारंटी दे रही है इनके ऊपर नहीं कंपनी के ऊपर करना है कंपनी आना बोले तो इनको अंदर डालना पड़ता है बराबर ये बात तो है हाँ ये तो है हाँ बराबर ही है बस्ती में लोकल कौन है उसको लेके जाते तू आ रहे माँ कड़े तू आ रहे बहन कड़े बोले गालियां देके गल्ला पकड़ के ले जाते घर में कंपनी लेके आकर था टांग बना ये इरवेल पड़े से आईपोदी पनी वे सर मन वालों अपना फायदा लूट रहा भाई इन्होंने तो उसका बिजनेस है भाई उन्होंने माल ले रहा उन्होंने बोलता बेच दे रहे भाई तेरे को रोड का कारोबार है बोल देते भाई प्रॉब्लम में कौन आता अगर ये चीज जो इन्हें माल बेच रहे इनके साथ अगर हुआ तो जब इन्हें किसको पूछते जाके इनके घर वालों को फैमिली को हुआ इनके दोस्त आए इनके साथ हुआ या किसी और के साथ हुआ किसी को हुआ तो आपको कैसा रहता भैया आप बोलो आपका फीलिंग कैसा रहता भैया मैं भी मानतुन जी मैं क्या बोल रहा किस बोलो ना मेरा कुछ भी नहीं है मैं आपका नहीं है तो बात कर रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अगर फैमिली किसी की फैमिली है फैमिली क्या बोले भाई मेरे को वहाँ से माल आ रहा मैं ले रहा हूँ बेच रहा हूँ तो आप जब माल ऑर्डर दे रहे हैं आप पेमेंट तो बरोबर कर रहे ना भाई तो जब आप नहीं दिखता के भाई ये माल एक्सपायरी होगा सर मैं कैसा लियो बोल के आप ऐसे से कैसा चलता है आइसक्रीम एक साल कैसा चलता बोलो जी एग्जांपल दियो तुम माल ले रहे ना भाई पांच पैसे देके ले रहे फ्री में नहीं ले रहे एक साल कैसा आइसक्रीम चलता बोलो आप वही प्रोडक्ट आओ भैया वही बात उनसे पूछो ना कंपनी से पूछो बोलो जी तुम फ्री में नौसन से हम लोग करके पैसे दे रहे ना उसको तुम फ्री में दे रहे क्या फ्री में दे रहा हूँ तुमको फ्री में दे रहा हूँ मतलब सब जने ले रहे बोल के दे रहे मिले तो मिले मैं बोला वैसा आपको वही बात हो गई क्या बात कर रहे हो वो कंपनी वाले को फोन करके एक साल का कैसा आया बोल के तुम बोला वो और तुम बोले तो गलत है तुम भी गलत है तुम गलत बोल रहे हो हाँ सही बात है हम ना एक्सपायरी बात वो बेच रहे हो तुम गलत बोल रहे हो सही है हम लोग कल पूछते भी कल पूछ के बात करते हम लोग डीलर हम लोग आप लोग पूरे डीलर है मिलकर डीलर है डीलर है हम लोग अभी तो फिलहाल एक नॉर्मल कंप्लेंट तो देंगे पुलिस स्टेशन में जो इंक्वायरी होती वो होती कैसा भी ना करते फोन खरीदे जब क्या है फोन वाला शोरूम का ना नहीं जाते अपन उन्हें कंपनी का जवाब बोलता रिपेयर है तो फिर किधर जाना अपन हेरिटेज वाला के जाना वैसा सेम सो इपड़ प्रस्तम बाजार घाट लो जरिगिन संघटन इधि सो मीरु एक्कड उन्ना कूडा ఇట్లాంటి ఐస్ క్రీమ్ బండి దగ్గర మీరు ఐస్ క్రీమ్ కొంటున్నట్టయితే ఫస్ట్ డేట్ చూసుకోండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఎక్స్పైరీ డేట్ చూసినాకనే కొనండి అండ్ మాక్సిమం వీళ్ళ దగ్గర కొననికే ట్రై చేయకండి మీకు కొనాలనుకుంటే షాప్స్ ఉన్నాయి షాప్స్కి వెళ్ళి కొనండి లేదంటే మీ హెల్త్కే ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఇంత పెద్ద ఇష్యూ అయింది ఇప్పుడే ఇక్కడ సో బండి అయినా కూడా ఉరికిపోయిండు వాళ్ళ ఓనర్ కూడా ఉరికిపోయాడు సో బాధితులు అయితే మనతోనే ఇక్కడనే ఉన్నారు సో ప్రస్తుతం మనం బజార్ఘాట్ చౌరస్తా దగ్గర ఉన్నాం పోలీస్ స్టేషన్కి కూడా ఇప్పుడే కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది
సో చూద్దాం రేపు వాళ్ళు ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటారో ఆ ఓనర్ నెంబర్ కి ట్రేస్ చేసి టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారో సో తర్వాత చూద్దాం ఇంతటితో ముగిద్దాం థ్యాంక్ యూ